सब चाहते हैं कि हमारे हाथ और पांव बिल्कुल प्यारे साफ हों अच्छे दिखें और हमें सैलून नहीं जाना पड़े. हु वॉन्ट्स टू स्पेंड मनी ऑन सैलून्स? नॉट मी. वही पैसे आप किसी और चीज़ पे लगा सकते हैं. तो अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि सबसे पहले अपनी हैंड्स और फीट की केयर कैसे करनी है और हलाल मैनीक्योर घर पे कैसे करना है. हलाल मैनीक्योर मीन्स कि आप नेल पॉलिश के साथ नमाज पढ़ सकते हैं बिकॉज इट्स वाटर परमिसेबल. और वीडियो पे चलते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हैंड्स और फीट को हमने सोक करना है. इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी स्किन जब सोक होती है द स्किन बिकम सॉफ्ट. और स्पेशली फीट के लिए जब वार्म वाटर में आप सोक करेंगे जो एरिया जो क्रैक्ड होती हैं वो सब सॉफ्ट हो जाएंगी और स्क्रब करने में आसानी होगी आपको. अगर आपको फुट की फंगल इन्फेक्शन है कोई तो आप एप्पल साइडर विनेगर भी पानी में डाल सकते हैं. और अगर आपके फीट को मतलब स्मेल आती है कोई ऐसा मसला है तो पत्ती डालें उसी पानी में और उसमें अपने फीट 10 मिनट्स के लिए आपने डिप कर लेने हैं. जब आपके फीट डिप हो रहे होंगे आप अपने नाखून भी काट सकते हैं हाथ के, कुछ भी कर सकते हैं. फीट को डिप करने के बाद मैं स्क्रबिंग करूँगी और यही स्क्रब मैं अपने हाथों पे भी यूज़ करूँगी और फीट पे भी यूज़ करूँगी. और अभी एक मास्क भी आपको दिखाना है, एक क्रीम ऑयल बेसिकली आपको दिखाना है. और ये जो भी मैं हाथों के लिए बना रही हूँ वो ही पाँव पे इस्तेमाल होगा. तो ये स्क्रब बहुत आसान है. इसको मैं अपना खीर वाला स्क्रब बोलती हूँ बिकॉज आपको चावल चाहिए. चावलों में वाइटनिंग इफेक्ट्स होते हैं जो कि आपके पैरों को बिल्कुल साफ कर देंगे. दे एक्चुअली हैव ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़. और इसका ये नहीं मतलब कि आपको वाइट पैरों की ज़रूरत है, नहीं. वाइट डज़न्ट मीन प्रिटी, लाइक इट जस्ट मीन्स कि आपकी जो डिस्कलरेशन है सूरज की वजह से, अगर अनइवन स्किन टोन जैसे मेरा अनइवन हुआ हुआ है, ये सब चीज़ें राइस की वजह से चली जाएंगी. तो राइस को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है. इसमें दूध डालूँगी और रोज़ वाटर, और सिर्फ यही आपको एज अ स्क्रब यूज़ करना है. अपने एक्चुअल स्क्रब को यूज़ करने के लिए मैं लीमू भी इस्तेमाल करती हूँ. लीमू में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो दिस इज़ परफेक्ट टू यूज़ विद द स्क्रब. जो मैंने मास्क अप्लाई करना है, इस मास्क के लिए आपको सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए. आपको बेसन चाहिए, हल्दी चाहिए और दूध चाहिए. दिस इज़ लाइक अ बेसिक उपटन टाइप ऑफ रेसिपी, लेकिन हैंड्स और फीट की वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छी रेसिपी है. बहुत बेसिक है, सबके पास घर में होंगी ये चीज़ें. तो अगर आपको ज़्यादा इफेक्ट्स चाहिए इसके, मतलब अगर ज़्यादा टैनिंग हो गई है सूरज की वजह से, लेमन जूस भी आप इसमें डाल सकते हैं. मुझे इस वक्त नहीं डालना था तो मैंने नहीं डाला. और सबसे पहले हमें अच्छे से पैर स्क्रब करने हैं, मतलब आपको एक दो मिनट स्क्रब करना है ताकि डेड स्किन आपकी उतर सके, बिकॉज पैरों की स्किन वैसे भी काफ़ी सख्त सी होती है ना. तो आपको अच्छी तरह स्क्रब करना है. और इवन ये नेल ब्रश जो होता है इसको लेके भी आप अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं पैर. और फिर इनको साफ करके हमें मास्क लगाना है. वही जो हमने उपटन अभी बनाया है वो पैरों पे लगा के छोड़ दें. इसको तकरीबन मैं 5-6 मिनट या एक्चुअली 10 मिनट तक तो मैं छोड़ देती हूँ. और जब मैंने पैरों पे मास्क छोड़ा होता है फिर मैं हाथों का काम करती हूँ. हाथों के लिए सबसे पहले अपने नेल्स को मैं फाइल कट और अपने क्यूटिकल्स को मैं क्लीन करती हूँ. ये घर में अगर आप सीख लेना करना तो सैलून जाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज सैलून में जाते ही वो यही काम करते हैं. इट्स लाइक आई डोंट थिंक आपको पैसे देने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए. ऑल्सो अपने हैंड्स भी मैं सोक करती हूँ ताकि नेल्स एक तो सॉफ्ट हो जाए और ऊपर से स्किन डेड स्किन सारी उतर जाए हैंड से. तो सोक जब कर लिया, जब सोक करके निकालना है तो वही स्क्रब आपको हाथों पे करना है. अच्छे से स्क्रब करें. मेरा मसला ये था कि मेरे नकल्स और फिंगर्स की जो स्किन है ये डार्क हो जाती है बिकॉज मैं डिश वॉशिंग वगैरह में ग्लव्स नहीं पहनती, जो कि मेरा आई थिंक आई शुड बट ऑब्वियसली नहीं करती. तो उससे डार्कनिंग हो जाती है. तो मैं उन एरियाज पे लेमन लेके अच्छी तरह स्क्रब कर रही हूँ. यू कैन बी रफ विद दिस बिकॉज हाथ और पाँव की स्किन है, इट्स नॉट गोना सफ़र, टीयर्स वगैरह नहीं आएंगे इस पर. तो जब आप स्क्रब कर लें फिर स्क्रब को आपने साफ करना है एंड देन यू वांट अप्लाई द सेम मास्क. अब अगर आपका दिल करे यू कैन वॉश योर फीट एट दिस टाइम. मैं क्या करती हूँ कि फीट वगैरह छोड़ देती हूँ और फिर हैंड्स पे काम करती हूँ. और जब आप हैंड्स पे काम कर रहे हैं व्हाट यू वांट टू डू इज़ जो उपटन है लेट इट ड्राई फॉर अ फ्यू मिनट्स
और फिर उसी जो उपटन को आपने ना अच्छी तरह रब करना शुरू कर देना है. जब आप इसको अच्छी तरह रब करें एक दो मिनट, ये ड्राई हो जाएगा और आपकी सारी हाथों की मैल उतर जाएगी. आप लोग शॉक में चले जाएंगे कि आपके हाथ कितने साफ लग रहे हैं. मैं अभी जब कर रही थी, मैं अपनी मामा को दिखा रही थी एंड शी वॉज शॉक. शी वॉज लाइक, तुम्हारे हाथ इतने साफ कैसे हो गए? लाइक शी वॉज इन शॉक. तो मैं भी शॉक में चली गई और आप सब भी शॉक में जाएंगे जब आप अपने खुद करेंगे. तो मास्क को धोने के बाद पॉलिश लगाएंगे. तो मैंने दोनों हाथ और पैरों के मास्क उतार दिए हैं और इसके बाद मैं अपनी एक आमंड ऑयल और ग्लिसरिन और हल्का सा रोज़ वाटर की एक ये बनाती हूँ. तो हल्का सा सिरप सा होता है एंड यू ना अप्लाई दैट ऑन योर फीट एंड योर हैंड्स. इससे आपके हैंड्स और फीट की मॉइस्चर लॉक्ड इन होंगे, बहुत अच्छे प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे. और फाइनली अब हम नेल कलर लगाएंगे. अच्छा, आई डोंट नो अगर आप सबको मसला है, लेकिन मैं फीट पे 90% ऑफ द टाइम रेड लगाती हूँ. मुझे आई थिंक रेड नेल पॉलिश से कोई ऑब्सेशन है फीट पे. तो मैं आज जो पॉलिशेस यूज़ कर रही हूँ, दे बाय ब्रांड कॉल्ड वाइवर कॉस्मेटिक्स. इनकी पॉलिशेस मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ. आई रियली लव एम. बहुत ओपेक होती हैं, चिप नहीं होती, दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम और दो कोट्स आर वाटर परमिसेबल. इससे ज़्यादा की आई थिंक गारंटी नहीं है, लेकिन दो से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी क्या है. तो आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, इतनी मुश्किल डिसीजन मैं क्या करूँ, लाइक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी. तो एंड पे मैंने ये प्यारा सा येलो कलर लगा दिया. लेकिन देखें, इतने सारे कलर्स मैंने ऑर्डर किए हैं और अभी दो तीन और अंदर पड़े हैं जो मैंने अभी नहीं दिखाए. दे आर रियली ओल्ड एक्चुअली. तो इस वक्त इन कलर्स से मैंने चूज़ किया एंड एंड पे मैंने ये येलो वाला लगाया, विच इज़ दिस वन. एंड ये देखें गाइस, मतलब इतनी क्यूट नेल्स लग रहे हैं. वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड की ढोलकी पे जाने वाली हूँ, तो आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. अल्लाह हाफिज़.